अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। पटना में अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जारी किया है। बिहार की जनता के सामने वादों का पिटारा अरुण जेटली ने खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बिहार में एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, एनडीए का जो विजन डॉक्यूमेंट है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी कर दिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, प्रेस वार्ता कर ये डॉक्यूमेंट जो है जारी किया है, जिसमें बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा अरुण जेटली ने खोल दिया है। तमाम वादे इस घोषणा पत्र में अरुण जेटली ने बिहार की जनता से किए हैं। विजन डॉक्यूमेंट अरुण जेटली ने जारी कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आज विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। पटना में अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। बिहार की जनता के सामने वादों का पिटारा खोल दिया है। तो अरुण जेटली ने आज घोषणा पत्र जो है इन चुनावों के मद्देनजर, बिहार चुनाव के मद्देनजर, वो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जारी कर दिया है। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है कि किस तरह का बिहार एनडीए बनाना चाहती है, वो विजन डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर झलकता है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भूपेंद्र दुबे, बिहार ब्यूरो चीफ, सीधे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या खास है इस विजन डॉक्यूमेंट में? कितने, किस तरह के वादे बिहार की जनता से किए हैं वित्त मंत्री ने? और देखिए आशीष, जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है जिस पर अरुण जेटली अभी अपना पक्ष, जी लगता है हमारा संपर्क भूपेंद्र दुबे जो कि बिहार ब्यूरो चीफ हमारे, उनसे कट गया है। हम आपको बता दें, एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जो कि विजन डॉक्यूमेंट है उसे जारी कर दिया है। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया है, जिसमें तमाम वादों का जो पिटारा है उसको खोल दिया गया है जनता के लिए, और तमाम वादे इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से ये विजन डॉक्यूमेंट है, साझा विजन डॉक्यूमेंट है एनडीए की तरफ से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बिहार में रालोसपा, एलजेपी, बीजेपी सब साथ मिलकर ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इन पार्टियों की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से बिहार के चुनाव के मद्देनजर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा पत्र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस वार्ता कर जारी कर दिया। इस खबर पर हमारे साथ एक बार फिर बिहार ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या खास है इस विजन डॉक्यूमेंट में, घोषणा पत्र में? वादों की झड़ी जाहिर सी बात है लगाई होगी यहां पर, लेकिन क्या खास आपको लगता है इसमें? देखिए आशीष, वादों की झड़ी नहीं है। अगर बीजेपी के नजरिए को समझा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो कुछ कह रहे हैं ये हमारा संकल्प है और इसी के आधार पर हम काम करेंगे, और जो भी आज तक बीजेपी ने बिहार में किया है कई बानी है। आप अगर पूरा भाषण अरुण जेटली का देखा जाए, जो अब तक उन्होंने कहा, हालांकि अंदर वो बोल ही रहे हैं कि 68 सालों में जिन लोगों ने राज किया उन्होंने किया क्या, इसका जवाब देने की जब बारी आती है तो वो कई तरीके के राजनीतिक आरोप राजनीतिक दलों पर लगाते रहते हैं। 68 सालों का बिहार है, किया क्या गया? आज भी यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए